अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन इन्फोटेक। दोस्तों, एसआईई ने ऑनलाइन स्टूडेंट असेसमेंट टूल बनाया है। इसमें स्टूडेंट्स कैसे ऑनलाइन एग्जाम देंगे, आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और देखने की भी हिदायत दें, ताकि उनको ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई दुश्वारी ना आए। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहां पर हम पहले अपना क्रोम ब्राउजर हम ओपन करेंगे। यहां पर ओपन करने पर इस एड्रेस बार में यहां पर जाना है, यहां पर लिखना है siikashmir.in, www.siikashmir.in। तो ये वेबसाइट आ जाएगा यहां पर। इस वेबसाइट में यहां पर आप देख लीजिए, ये लिंक फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहां पर इस पर क्लिक करना है तो ये पेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो यहां पर ये जो काउंटर है ये चलता रहेगा तब तक जब तक ना एग्जाम शुरू हो जाए। तो ये जीरो पर आ जाएगा, जो ही ये जीरो पर आ जाएगा तो ये लिंक जो है, एग्जाम लिंक जो है, ये ऑटोमेटिकली खुलेगी। अगर आपके पास ये लिंक है तो आप इस लिंक के जरिए भी इस वेबसाइट में जा सकते हैं और अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आप यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर स्टार्ट हो गया असेसमेंट क्लास 8। तो यहां पर डालना है एंटर योर फॉर्म कोड। तो फॉर्म कोड हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, टीचर की तरफ से, स्कूल की तरफ से मिलेगा इसको फॉर्म कोड। तो वो यहां पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट जो ही नेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये जो रिलेटेड डिटेल है ये स्टूडेंट ने डालनी है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डालना है यहाँ पर। यहाँ पर ये चूज करना है डिस्ट्रिक्ट इस ड्रॉप डाउन पर। जोन यहाँ पर डालना है, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, स्कूल का यूडाइस कोड ये भी स्कूल से मिलेगा। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हेड का नाम यहाँ पर, और यहाँ पर फोन नंबर वगैरह, और यहाँ पर नाम वगैरह, और रोल नंबर, क्लास रोल नंबर जो है वो यहाँ पर डालना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर असेसमेंट टूल जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो उसमें से आपने सिर्फ क्लिक करके चूज करना है, जो आंसर होगा वो आपने चूज करना है। तो आंसर जब आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद जो है, उसके बाद आपने सबमिट करना है। तो सबमिट जो है आप करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप इस स्क्रीन को पाओगे, आप एक ही दफा ये भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी चॉइस नहीं है कि आप ये दोबारा, ये जो आपने एग्जाम दिया ये दोबारा दे सको, तो ये आप एक ही बार दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यू हैव ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका ये जो ऑनलाइन एग्जाम टूल है ये काम करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।